Assalamualaikum viewers, मैं रणवीर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल को आज हम बनाएंगे रमजान 2021 स्पेशल में कीमे के समोसे। आप इसे रेसिपी से कीमे के समोसे भी बना सकते हैं और कीमे के रोल भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 750 ग्राम कीमा लिया था हाथ का, इसको मैंने धो के रख लिया है। ये 5 से 6 अदद पर मेरे 50 ग्राम मैंने प्याज दी थी, इसको बारीक बारीक चॉप ऑमलेट की तरह काट के रख लिया है। 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, कोरिएंडर लीव्स 2 मैंने लिए हैं, दर्जाने साइज के हरी मिर्ची इनको कट करके रख लिया है। और सबसे पहले मैं अपने पैन में ऑयल मैंने डाल दिया है, 1/4 कप ऑयल मैंने अपने पैन में डाल दिया है। अब मैंने एक दरमियाने साइज की छोटी सी प्याज ली थी, उसको मैं खाली कीमा भूनने के लिए प्याज का बघार दूंगी। ये डाल दी है मैंने इसमें, हमारी प्याज फ्राई होगी। मैं आपको दीगर इंग्रेडिएंट्स के बाद देती हूँ। 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर क्यूमिन पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टेबल स्पून मैंगो पाउडर यानी आमचूर पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून रेडीमेड चाट मसाला जो बाजार में अवेलेबल होता है वो है, 1 टेबल स्पून मेरा होममेड चाट मसाला है, और 1 पिंच से थोड़ी ज्यादा मैंने हल्दी ली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसको हल्का सा कलर देने के लिए। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट दिया है। हमारी प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है, मैं इसे फुल फ्राई नहीं करूंगी, लाइट ब्राउन ही रखूंगी। इस स्टेज पर मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगी और इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। लहसुन अदरक फ्राई हो गया है, इस स्टेज पर मैं इसमें जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे एक साथ डाल दूंगी और 1 से 2 मिनट तक मसाले की भुनाई करूंगी। रिवर्स इसको भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से भुनने की तरफ आ गया है। मैंने स्पाइस लेवल थोड़ा बढ़ा के बनाया है क्योंकि समोसे थोड़े स्पाइसी ही खाए जाते हैं और हमारे यहाँ ज़्यादा स्पाइसी ही खाना खाया जाता है। अगर आपको ज़्यादा महसूस हो स्पाइस लेवल तो आप कुटी मिर्च या इसमें से पिसी मिर्च किसी एक को स्किप कर सकते हैं और चाट मसाला भी स्किप कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें अपना कीमा ऐड करूंगी और कीमे को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मैं भून लूंगी 2 से 4 मिनट, यहाँ तक कि मसाले का ऑयल सेपरेट हो गया और कीमा अच्छी तरह से भून जाता है। जी व्यूअर्स, कीमे में अपना ही पानी छोड़ना शुरू किया है, अब मैं इसे 5 से 10 मिनट भून लूंगी। कीमा हमारा अच्छी तरह से भून गया है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है, उसे तेला भी छोड़ दिया है, फ्राई पैन से भी अलग होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसका इसको मीडियम लो फ्लेम पे कर दूंगी और जो मैंने प्याज कट की थी वो इसमें ऐड करूंगी। प्याज ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट हम बस चलाएंगे। कीमे के समोसे या रोल में जो है प्याज ज़्यादा ऐड की जाती है, जो बाजार में मिलते हैं उसमें ज़्यादा मकदार में प्याज होती है क्योंकि इससे इसका फ्लेवर इसी प्याज की वजह से ही उभर कर आता है। अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करूंगी और इसे मिक्स करके इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद इसके समोसे और रोल बनाऊंगी। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो थोड़ा फ्लेवर के लिए इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं या पिसा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करूंगी, मिक्स करके इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। रिवर्स, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अभी रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दूंगी, फिर इसके बाद रोल या सब। हम अपने समोसे की फिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ये रेडीमेड पट्टियाँ ली थी, इसको मैंने खोल के रख लिया है। अब मैं इसकी इसको समोसों को बनाऊंगी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा अपना कीमे का मिक्सचर डालेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, काफ़ी देर से रखा हुआ था और हम इसको समोसे का शेप देंगे। इसी तरह हम अपने सारे समोसे बनाकर तैयार करते हैं। दूसरी समोसा फोल्डिंग का तरीका आपको बता रही हूँ, वही मतलब दूसरा समोसा बना रही हूँ मैं इसी तरीके से। इसमें ये थोड़ा सा इसमें ये
मैदे का जो लही बनाई थी वो लगाते जाएंगे, साथ साथ उसको चिपकाते जाएंगे। देख सकते हैं मेरे अपने सारे समोसे बना के कीमे के तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको उनको फ्राई करके दिखाती हूं। जी व्यूअर्स, मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए हाई फ्लेम पे रख दिया है। अब अपने समोसे मैं इसमें फ्राई करूँगी। मैंने ऑयल में जो है ये समोसे डालने शुरू कर दिए हैं। अब मैं इसे 3 मिनट एक साइड से सेकूंगी और 3 मिनट दूसरी साइड से। इस तरह से सेक रहे हैं, मैं इनकी साइज चेंज कर दूंगी। जी व्यूअर्स, हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हैं। देखने में अंदाजा आ रहा है कितने क्रंची और क्रिस्पी बने हैं, क्रिस्पी बने हैं। मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये समोसों का फाइनल लुक है। ये बहुत ही क्रीमी क्रंची और क्रिस्पी बने हैं, देखने में ही अंदाजा हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका मेरी पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइमन रेसिपी की।